हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज मैगीराज हियर एंड नाउ आई एम गोइंग टू गेट डिस्कस अबाउट द मोशन फॉर क्लास 9th स्टूडेंट्स। सो अब हम गति डिस्कस करने जा रहे हैं। तो गति क्या होती है, ठीक है ना? देखिए, गति क्या है कि अगर किसी भी वस्तु के द्वारा उसकी स्थिति में परिवर्तन हो, यानी समय परिवर्तन के साथ साथ अगर उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो वस्तु गतिमान है, और अगर स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा तो वस्तु गतिमान नहीं है। जैसे हम 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे टाइम बदलता जा रहा है, लेकिन हम घर के घड़ी में बैठे हैं, तो यहाँ पर बैठे हैं मतलब विराम में हैं। और अगर हम 10 बजे कहीं दूसरी जगह, 10:20 में कहीं दूसरी जगह, 10:45 में कोई दूसरी जगह, तो हम क्या है, हमारी स्थिति बदल रही है समय के साथ साथ, तो हम क्या है, गतिमान है। तो देखिएगा, जैसे ये कोई वस्तु है, मान लीजिए कि फॉर एन एग्जांपल ये कोई कार है, ये पहले ए पर है, फिर ये यहाँ पर बी पर आ गई, फिर ये यहाँ पर सी पर आ गई, ठीक है ना? मान लेते हैं कि इनके समय जो है यहाँ पर टाइम है 10:10, यहाँ 10:15 है, और यहाँ पर 10:40 है। ये मान लीजिए कि 7 PM का बोर्ड है, ये 10 AM का बोर्ड है, और ये 22 AM का बोर्ड है। तो देखिएगा, ये स्थिति है, स्थिति क्या हो रही है, बदल रही है, स्थिति परिवर्तित हो रही है, और समय क्या हो रहा है, समय परिवर्तित हो रहा है, क्लियर? तो अब क्या बोलेंगे, गति क्या है, समय परिवर्तन के साथ साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं, क्लियर? और अगर समय परिवर्तन के साथ साथ स्थिति में परिवर्तन ना होता तो वस्तु विराम में होती, गतिमान नहीं होती। ओके, तो ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी वस्तु के, जैसे हमने ये एक्टिविटी किया, कोई कार गतिमान है ए बी सी में, इनके समय बदल रहे हैं, और ये वस्तु की स्थितियाँ पहले 7 किलोमीटर पे थी, फिर 10 किलोमीटर के बोर्ड में पहुंच गए, फिर 22 किलोमीटर के बोर्ड में पहुंच गए, मतलब क्या है, उसकी स्थिति पोजीशन बदल रही है। तो समय परिवर्तन के साथ साथ अगर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो वस्तु गतिशील है, गतिमान है, और उसे गति कहते हैं। और अगर समय परिवर्तन के साथ साथ स्थिति में परिवर्तन ना हो तो वस्तु गतिमान नहीं होगी, अर्थात विराम में होगी, क्लियर? तो अब हम ये डिस्कस कर लें कि अब हम यहाँ पर एक शब्द यूज किया, स्थिति। तो स्थिति क्या है, देखते हैं। तो स्थिति जो है, एक तरह से देखिए, लंबाई थी, किलोमीटर के रूप में मिल रही थी हमें, तो ये लंबाई है, और लंबाई हम दो तरह से मीजर करते हैं, एक टेढ़ी मेढ़ी लंबाई और एक सीधी लंबाई। तो जो टेढ़ी मेढ़ी लंबाई होती है उसको दूरी बोलते हैं, और जो सीधी लंबाई होती है उसको विस्थापन बोलते हैं। यहीं से फिजिक्स का बेसिक शुरुआत होती है, ठीक है ना, कि दूरी क्या है, विस्थापन क्या है, क्लियर? तो अब हम ये डिस्कस करेंगे कि ये दूरी और विस्थापन क्या है, क्लियर? तो इसके लिए फिर हम एक एक्टिविटी लेते हैं। ये जैसे ए है घर और बी है स्कूल, ठीक है ना? घर से आप स्कूल के लिए चलते हैं तो बहुत सारे रास्तों में टेढ़े मेढ़े घूमते हुए चलते हैं। मान लीजिए कि ये इस रास्ते का नाम ये है, ऐसे जा रहे हैं, तो ये कैसी दिशा है, अनिश्चित दिशा है, ओके, अनिश्चित दिशा। और ये कैसी है, घर से सीधे स्कूल को बोला जाए, जैसे आपसे पूछा जाता है कि आपका घर किधर है, तो आप पर्टिकुलर एक इशारा दे के बताते हैं, इधर को है, तो एक दिशा हुई। तो वो कम से कम न्यूनतम लंबाई होती है आप उस वस्तु से उस मंजिल तक की, बिंदु तक, तो वो होता है निश्चित दिशा। दिशा में पता है भाई, जिधर घर होगा उसी तरफ इशारा करके बताएंगे, दूसरी तरफ तो नहीं बताएंगे। तो ये हो गई निश्चित दिशा। तो दोनों ही दिशाओं में क्या तय करते हैं, लंबाई ही तय करते हैं। तो दूरी जो हुई, ये हुई अनिश्चित दिशा में तय लंबाई,
ये है दूरी, और विस्थापन क्या होगा, निश्चित दिशा में तय लंबाई। क्लियर? यानी अनिश्चित दिशा में जो तय लंबाई है वो दूरी है, और निश्चित दिशा में जो तय लंबाई है वो विस्थापन है। हमने डिस्कस किया था जो टेढ़ी मेढ़ी कैसी भी हो वो दूरी है, जो सीधी हो वो विस्थापन है। तो देखिए दूरी है क्या, हमने दूरी को शॉर्टकट में यहाँ डी वन लिख देंगे और विस्थापन को हम डी टू लिख देंगे। तो डी वन क्या है यहाँ पर, ए एम एन बी, ए एम एन बी, और विस्थापन क्या है ए बी। दोनों को किससे मापेंगे, मात्रक क्या होगा, देखिए दोनों ही लंबाई है तो दोनों को ही मीटर से मापन करेंगे। लंबाई किससे मापते हैं, कपड़ा किससे मापा जाता है, दुकानदार के पास जाते हैं तो एक इतना सा एक मीटर लंबा निकालता है थान से कपड़ा नापने के लिए, तो वो मीटर है। यानी लंबाई मापने का जो अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है SI यूनिट वो मीटर है। इसलिए दोनों की लंबाई को हम किससे मापेंगे, मीटर से। लेकिन यह अदिश है, यानी अदिश का मतलब बिना दिशा की राशि, यानी हर क्षण इसकी दिशा बदल रही है, तो ये अदिश होगी। और इसलिए कैसी होगी, दिशा है सहित, दिशा सहित, तो सदिश राशि है। यानी दूरी अदिश और विस्थापन सदिश है, और यह हमेशा धनात्मक होती है, दूरी जो है हमेशा पॉजिटिव होती है। जैसे और ये धनात्मक भी होता है, जीरो भी होता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। अब कैसे, एग्जांपल लेते हैं। दूरी, जैसे आप घर से स्कूल गए, आपकी मोटरसाइकिल में अगर 840 किलोमीटर थे और 10 किलोमीटर गए तो 850 हो जाएगा, फिर स्कूल से घर भी लौटेंगे तो अब 810 किलोमीटर वापस भी आएंगे तो अब कितना हो जाएगा, 860। ऐसा तो नहीं कि वो किलोमीटर बैक में चलने लगा और फिर 840 में आ गए। यानी वो जो किलोमीटर मोटरसाइकिल में लगा है मेजरमेंट करने के लिए वो आपको पॉजिटिव ही जोड़ता ही जा रहा है। इसका मतलब दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती, जितना भी चलेंगे वो सब का सब धनात्मक गणना होगी। लेकिन विस्थापन क्या होता है, धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, और शून्य भी होता है। जैसे धनात्मक का मतलब तो जो चल रहे हैं घर से और दूर जा रहे हैं तो विस्थापित हो रहे हैं तो पॉजिटिव हैं। लेकिन अगर कुछ वापस आ गए, जैसे 10 किलोमीटर गए और 7 वापस आ गए, तो अब कितनी दूर हैं घर से, 3 किलोमीटर, वो कैसे, प्लस। क्लियर? अब अगर 10 गए थे, 10 वापस आ गए तो कितना बचा, जीरो। यानी आप जीरो, जहाँ पे थे वहीं आ गए। और कई बार ऐसा होता है कि जहाँ किसी को पहुँचना होता है उसके लोग और आगे निकल जाते हैं, तो हम बोलते हैं कि नहीं आगे नहीं, थोड़ा सा पीछे आइए, निगेटिव ऋणात्मक विस्थापन। ओके, तो विस्थापन तीनों हो सकता है, धनात्मक, जीरो और ऋणात्मक। क्लियर? तो अब हम इसके बारे में थोड़ा सा एक उदाहरण से डिस्कस करते हैं। जैसे ये कोई वर्गाकार खेत है ABC, ओके, और इसकी लंबाई 100 मीटर है ऐसे। तो देखते हैं कि जब हम A से B तक गए तब दूरी को हमने D1 लिखा, विस्थापन D2। जब ABC चले तब, जब ABCD चले तब, और जब ABCDA चले तब, देखिए जब हम यहाँ से केवल इतना गए तो दूरी भी 100 मीटर और विस्थापन भी 100 मीटर। लेकिन जैसे हम यहाँ पर और चले गए तो 100 मीटर और 100 मीटर सभी 100 ही हैं, तो दूरी तो हो गई 200, कुल जुड़ जाएगी, लेकिन विस्थापन कितना होगा, देखिएगा। अब ये है ABC, ये है 100, ये है 100, तो ये पाइथागोरस प्रमेय, ये लंबाई होगी सीधे, विस्थापन सीधे बताया था, तो ये पाइथागोरस प्रमेय से देखें तो ये कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये प्रमेय होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो इससे कर्ण की वैल्यू आ जाएगी 100√2। तो अब यहाँ पर विस्थापन कितना हो गया, 100√2 मीटर। फिर हम ए से बी सी
डी में आ गए, तो देखिए 100 चले 100 चले 100 चले, कितना दूरी चल चुके 300 मीटर, लेकिन विस्थापन कहाँ है, सीधे उस बिंदु को मिला ही, तो विस्थापित हैं हम सिर्फ 100 मीटर। क्लियर। फिर जब हम ए बी सी डी ए में आ गए तो दूरी कितनी चल चुके 100 100 100 100, टोटल कितनी हो गई 400 मीटर, और विस्थापन कितना है, जहाँ से चले थे वहीं आ गए तो 0 मीटर। तो इस तरीके से हम दूरी और विस्थापन तय करते हैं। क्लियर, ध्यान रखिएगा। तो इन पथों में अलग अलग दूरियां और विस्थापन हमने ज्ञात किया। क्लियर, थैंक यू।